ज़ायरा नोट अपने कस्टमर्स के लिए लाए है दिवाली धमाका ऑफर, जहां आपको लॉन्ड्री सर्विसेज पर मिलेंगे फ्लैट 15% ऑफ। ज़ायरा नोट की सर्विसेज से ब्लैंकेट वॉश, कारपेट डीप क्लीनिंग, कर्टन क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग एंड लॉन्ड्री, शू लॉन्ड्री, सोफा डीप क्लीनिंग, स्टेन रिमूवल और स्टीम प्रेस। तो इस त्यौहार के मौके पर तैयारियां कीजिए ज़ायरा नोट के साथ। हम पहले से ही बता रहे थे क्योंकि हमने टिकट मांगा था, लोग कंटाल गए यहाँ से भिवंडी में, बहुत परेशान है पुरुष लोगों से, आदमी लोगों से, क्योंकि लोगों को मालूम है कि ये कोई काम नहीं करते हैं। ये पहली बार, ये अपने इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि महिला एमएलए के लिए खड़ी है। जो कांग्रेस ने ना इंसाफी किया है, वो महिला का टिकट फाइनल होने के बाद भी उन्होंने टिकट काटा था। उनको बता रहे थे अगर वो कांग्रेस पार्टी हमको टिकट जो देती थी तो हमने बताया था कि 50,000 टिकट से हम जीतने वाले थे। इंशाअल्लाह अभी भी आप देख रहे कितना पर्ची साथ है, इधर ने हर जगह लहर है, महिला में उत्साह है, आदमी लोगों में ये कि इतने आदमी लोग खड़े है वोट खराब करने के लिए खड़े है। सब अब जानती है पब्लिक कि इसलिए लोगों ने तय किया है कि मुस्लिम को यहाँ से महिला से प्रत्याशी बना के एक विधानसभा में पहुंचाएगी। सबसे पहले मैं भिवंडी के अंदर भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। ये जो भ्रष्टाचारी जो नेता है, इन्होंने आपने 50 साल पीछे भिवंडी को ले जाके रखा है। आज गली गली में देखो, हर जगह देखो, कोई काम नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे भ्रष्टाचार मिटाना है और रोड पे उतर के हम काम करेंगे। और सबसे पहले बच्चों को तालीम, यहाँ पे जो बच्चों लोगों के स्कूल, और उसके बाद में सड़कें, रोड, ब्रिज, जो ट्रैफिक होती है वो, और इंदिरा गांधी जो हॉस्पिटल है वहाँ पे हम दूसरा एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे जहाँ पे लोगों को बम्बई जाने की जरूरत नहीं गिरे। और रही दूसरा और बात कि हम हर महीने में, हर मोहल्ले में, हर एरिया में जनता दरबार लगाएंगे। लोगों की क्या समस्या है वो जनता को बुलाएंगे, या क्या ऑफिसर लोगों को बुलाएंगे, जो जो संबंधित अधिकारी सामने बुला के उनकी झड़ती लेंगे और उनको बोलेंगे एक काम करो, एक महीने की मुद्दत दी जाएगी, नहीं दिए तो उनके ऊपर निलंबित की कार्रवाई करेंगे। आप मैम क्या कहेंगे जहाँ पर एक जगह सरकार बात करती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वहीं पे जब महिला जब सीट मांगती है वो सीट नहीं मिलती है। यही है हमारी इंडिया का, यही एक मेरे को खराब लगता है कि जब बेटियां आगे बढ़ना जाती है तो ये सोच बहुत दूर चली जाती है, बेटियों के लिए सोचा नहीं जाता है। और जो प्रोटोकॉल फॉलो भी करने बोलती है पार्टी वो भी नहीं किया जा रहा है। राहुल गांधी जी हमेशा कह रहे हैं 5 साल पहले काम करो पार्टी में, बाद में टिकट मांगो, और वो ऐसे इंसान को दी जाती है जो हमारे ना भिवंडी से है ना कुछ, और वो बीजेपी से आके वो टिकट लेके चले जाते हैं। तो क्या इन्हें कांग्रेस वालों को बेटियों पे भरोसा नहीं है क्या? तो हम लोग इतना प्रियंका गांधी जी का हमको नारा हमको याद है कि लड़की है लड़ सकती है, और हम लड़ रही है, और उनके पास हम खुद से जा रहे थे कि बाबा मैडम हमको टिकट दे दीजिए, बट इस पर सुनवाई नहीं होती है। इस चीज के लिए उल्टा हम लोगों को कांग्रेस से नाराजगी है, क्योंकि हमारे साथ भिवंडी की कितनी जनता है आप देख ही रहे हो, और इससे भी ज्यादा माशाल्लाह आएंगे, और हम जीत कर जब दिखाएंगे तब कांग्रेस को बताएंगे।
मैम काफी ज्यादा तादाद में महिला नजर आ रही है, मगर इन महिलाओं में सबसे मुस्लिम महिला नजर आ रही है, क्या आपको लगता है कि मुस्लिम वर्ग के अलावा दूसरे लोगों का, दूसरे समाज का भी आपको साथ मिलेगा? हाँ इंशाल्लाह मिल भी जाएगा, क्योंकि लोग अभी देख रहे हैं जिस तरीके से हमारी भिवंडी माइनॉरिटी की सिटी है, तो जाहिर सी बात है ज्यादा यहाँ माइनॉरिटी लोग हैं, तो इसके लिए और जैसे उन्हें पता चला है कि वन वुमेन खड़ी है, तो देखो अपने आप मेरे साथ इतना साथ आपको आ गया है, किसी से भी पूछेंगे ये लोग दिल से जुड़े हैं हमारे साथ, तो उन लोग खुश है कि इस बार वुमेन आई है हमारे भिवंडी में, तो कुछ तो मुद्दे रहे होंगे, तो अब उन लोग मेरा साथ दे रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं आगे बढ़ना चाहूंगी।